हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग पार्ट सेकंड ऑफ वैष्णो देवी। तो अभी हमने अर्धकुंवारी क्रॉस किया है, जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया। तो अभी हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा, तो अभी हम रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो निकलते हैं अब आगे थोड़ी देर के बाद, फिर आगे देखते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना? ठंड है ना? है, फिर भी वहाँ से तो है, उसको नहीं लग रही पर ठंड है। ठीक है, तो गाइस चिक्की की बस हो गई है अब यहाँ पे, बट मेरी नहीं हुई यार, चलना तो है ही है। सब दर्शन हो जाए यार आराम से, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है इस बार। तभी यार अभी को इतनी दूर जाना है। वो देखो गाइस, वो लाइन दिख रही है ना, वहां पे जाना है वो पूरा कम्प्लीट करना। बट मेरे को इतना सही नहीं हो रहा है, बट जो बैरो घाटी की चढ़ाई है ना, वो तो इससे भी ज्यादा। मेरे को भूख भी लग गई है, हमने कब खाया था। यहाँ पे कोई दुकान ही नहीं आ रही है अब। चिकी डबिंग कर रही गाइस, देखो गाइस मंकी सारे रेस्ट कर रहे। अरे हमारी नींद कम खराब करो। अरे खुद तो सोते नहीं, मम्मी तो सोने को। सो गाइस अभी हम हेमकोटी पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे चाय पी इन्होंने सबने, पीछे बैठे हैं जो, मैंने भी पी चाय इसीलिए। तो चिकी गई है वहाँ पे कुछ खाने, मेरे को भूख नहीं है, आ गई है। तो घर वाले ने बोला यहाँ पे वेट करो क्योंकि वो ज़्यादा पीछे हैं, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे ना भवन तक जाने के लिए। ठीक है, तो गाइस चिकी को अभी गुस्सा आ गया था, इसको हमने टाइम पर चावल नहीं लेके दिए इसीलिए। पर इसकी डिमांड थी कि चने पूरी खानी है, बट इस टाइम वो मिलते नहीं, वो सुबह ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। ये डाल दूंगी अब, बाद में नहीं बोलना। तो गाइस इसकी डिमांड थी चने पूरी की, इसीलिए वो सुबह मिलते ब्रेकफास्ट में, इसलिए फिर हमने राजमा चावल ला के दिए इसको। तो गाइस यहाँ पे देखो 1 किलोमीटर रह गया भवन का, तो अभी हम चलते जा रहे हैं। और इन सब शख्स की बस हो गई है, हमें ले लें, हमें भी ले लिया। तो इन सब शख्स की बस हो गई है, बस 1 ही किलोमीटर रह गया बस, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं जल्दी से। हो तो गाइस 1 ही राउंड रह गया, वो तुम सामने फिर से उसने बिठा दिया, लड़की ने 50 बार बिठाया होगा। और घर वाले अभी हमारे उधर हैं अर्धकुंवारी में, और हम यहाँ पहुंच भी गए हैं भवन के पास। और मेरी भी बस हो गई गाइस अब लिटरली, आईज देखना बोल के, आंखें बंद हो रही हैं मेरी नींद के साथ। तो गाइस अभी हम घर वालों का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अंताक्षरी चल रही है, भैया भाग गए। तो गाइस सुबह होगी, देखो अभी तक हमें दर्शन नहीं हुए हैं। देखो गाइस कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार, मैं बोल रही थी देखो कितना रश है कि हमें अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। और 5:30 हो गए हैं, तो इस दरवाजा बंद कर देंगे वो, क्योंकि उधर आरती वगैरह होगी ना 8 बजे तक। 8 बजे गेट खुलेगा फिर, है ना? 8 बजे खुलेगा, फिर 8 बजे के बाद हम दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं, फिर तब तक घर वाले भी आ जाएंगे, अभी नहीं आए हैं। Yeah.
तो गाइज यहाँ पे देखो नवरात्रि की डेकोरेशन के लिए पेंट वगैरह कर रहे हैं सबको, ये सारा इससे डेकोरेशन होगी यहाँ पे, इतना प्यारा लगेगा। बट हम नहीं आ सकते नवरात्रों में, यहाँ पे बहुत रश होता है। दर्शन वगैरह करके आए, इतनी ठंड थी वहाँ सुबह, यहाँ पे मैंने हुड पहन ली थी, बट अभी थोड़ा मौसम ठीक हो गया क्योंकि धूप निकल गई है ना, गर्मी हो गई है। तो हम दर्शन वगैरह करके आए हैं, अब बाकी गए हैं घर वाले क्योंकि फिर बैग्स के पास बैठेंगे हम तब तक। तो ये देखो गाइस कुणाल भैया ने क्या लिया बताना, ये देखो गाइस कुणाल भैया ने सेल्फी स्टिक ले ली, मैं इनको बोल रही हूँ मुझे दे दो मैं ब्लॉग बना लूँगी, है ना। देखा ये मेरी है आप गाइस। तो अब हम देखते हैं वेब बैरो घाटी जाएंगे या नहीं, यार घर वाले मान नहीं रहे, बट मेरा बड़ा मन है जाने का। और दर्शन हो गए अच्छी तरह, हमें बहुत मजा आया। ठीक है, आपको मजा आया? जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो बस अभी सभी जय माता दी, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है वैसे, अब घर वाले आएंगे फिर उनसे पूछ के हम रोप वे में जाएंगे, क्या बोलते हैं बैरो घाटी। ठीक है, जय माँ पिंडी वाली आरती, जय माँ जुग जुग जीरे तेरा। तो गाइस अभी हम आए पार्किंग गार्ड में थोड़ा रिलैक्स फील करने और फ्रेश फील होने। हमारे साथ आए हैं नन्ना जी, अक्षय भैया और वो खड़े हैं दो और एक ये बैठा है। तो अभी हम पानी में पाँव डालते हैं, हमने पानी में पाँव डाले हैं। तो अभी घर वालों को टाइम लगेगा, तब तक हम थोड़ा यहाँ पे अपना एंजॉय करेंगे। तो गाइस देखो हम वो चढ़ाई चढ़ के टल के आए और चढ़ के भी गए थे। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर में, पहले गाड़ी वहाँ पे पार्क की है, वहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा, पैदल ही जा रहे हैं फिलहाल। और घर वाले फिर उनको गाड़ी में ही पिक करेंगे, चलते हैं फिर, बाय बाय। देख रहे होगे मैं कहाँ हूँ, तो मैं आई हूँ किसी के घर, मतलब जो हमारे साथ वैष्णो देवी गए थे दीदी, उनकी बहन का घर है यहाँ कटरा में ही। तो वो पता नहीं सत्संग वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे करना है, बेटे शेटे आएंगे एक दो, फिर उसके बाद। और आंखें कसम से देखो कितनी स्वेल कर गई हैं, इतनी नींद लगी है कि मेरे से बोलने भी नहीं हो रहा है। चिक्की देखो भाई सो भी गई है। तो बाहर सत्संग स्टार्ट हो गया, तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, फिर घर जाके रेस्ट करूँगी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस एक नए ब्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय। गाइस अभी मैं ब्लॉग एडिट करने लगी थी, पहला पार्ट कर दिया और दूसरा पार्ट करने ही लगी थी, तो देखा जो क्लिप्स मैंने बनाई हैं वो मेरे से डिलीट हो गई गलती से। यार ये क्या हो गया, हमारे मेमोरीज होती हैं। चलो फिर भी थोड़ी बहुत हैं जो बची हैं, वही मैं पार्ट सेकंड में डाल रही हूँ, तो आप सब मैनेज कर लेना यार, गलती से हुआ जो भी हुआ, मुझे नहीं पता चला कब डिलीट होगी। और साथ में बैटरी वगैरह भी इशू बन रहा था वहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने मैनेज किया। तो पार्ट सेकंड में यही छोटा सा ही होगा, तो आप देख लेना। ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस मैं अभी व्लॉग एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा आ गया पोपो वाला, इसको भी तभी आना होता जब मैं व्लॉग बना लेती हूं। चुप करेगी आप। एक जैसे थे दोनों के गम दुदा।